हाय लवली वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बना रहे हैं ढोकला। इसे बनाना बहुत ही इजी है, लेकिन अक्सर लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमारा बिल्कुल बाजार की तरह परफेक्ट ढोकला क्यों नहीं बनता है। तो इसे बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स फॉलो करना पड़ेगी। उसे फॉलो करोगे तो आपका ढोकला कभी भी ख़राब नहीं बनेगा और बिल्कुल बाजार की तरह सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। तो चलिए, इसे बनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये सभी इंग्रेडिएंट्स ले लिए। आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। हमने लिया है दही, चीनी, नींबू का रस, सूजी, ग्रीन चिली पेस्ट, हल्दी, नमक, बेसन और इनो। तो चलिए इसे बना लेते हैं। हमने बेसन लिया है, 4 कप्स मैंने बेसन लिए हैं इस कप के मेजर से, और इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कप सूजी। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ दही। दही बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, ना चाहे तो ना डालें, वो बिल्कुल उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। नेक्स्ट हम इसमें डाल देते हैं नमक, एज़ पर योर टेस्ट आप एडजस्ट कर लें। थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं ताकि बिल्कुल मार्केट की तरह उसमें येलो कलर आ जाए। और अब हम इसमें डालते हैं पानी। आपको पानी एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे ताकि सूजी फूल जाए, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेती हूँ इसमें। आपको इसे तब तक फेंटना है जब तक एक स्मूथ कंसिस्टेंसी ना आ जाए और इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो पानी भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें जब तक एक स्मूथ कंसिस्टेंसी ना आ जाए बैटर में। अब हम इसमें डाल देते हैं नींबू का रस, चीनी, हरी मिर्च का पेस्ट, आप चाहे तो हरी मिर्च बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप नींबू के रस की जगह नींबू के फूल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं लास्ट में तेल और अब फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। आपको इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। अब हम बैटर को हमने रख दिया 15 मिनट्स के लिए, तब तक हम इस मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं। मैंने इस पे ऑयल लगा दिया, आप चाहे तो बटर या घी भी लगा सकते हैं। 15 मिनट्स के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 इनो के पाउच, क्योंकि मैंने 2 कप बेसन लिया था, उसमें हमें 2 इनो के पाउच चाहिए। इस पर थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। देखिए, इनो से ये काफ़ी फूल गया है, डबल हो गया है ऑलमोस्ट बैटर। इनो डालने के बाद आप बिल्कुल भी देरी ना करें और इसे जल्दी से मोल्ड में डाल दें। और हमने इडली के कुकर में ऑलरेडी पानी बॉईल कर लिया है, उसमें हमने ये स्टैंड रख दिया है और ये मोल्ड को हम इसमें डाल देते हैं स्टीम होने के लिए, और इसे कवर करके रख दें और पकने दें 20 मिनट्स के लिए। आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट्स के बाद ये फूल कर ऊपर आ गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब इसे थोड़े टाइम के लिए ठंडा होने दें, फिर हम इसे कट कर लेते हैं। इस तरह के छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे पहले निकाल लें मोल्ड से। मैं जनरली इसे मोल्ड में ही कट करती हूँ क्योंकि ये तड़का डालने के लिए इजी होता है। तो देखिए, हमें इस तरह से इसके छोटे छोटे से पीस कर लेना है। तो देखिए, ये इस तरह से फ्लफी और सॉफ्ट बने हैं। तो चलिए, अब हम इसके लिए तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़के के लिए हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें हम डाल देते हैं राई और कड़ी पत्ता और इसका तड़का लगा देते हैं हम। और इसके जो एजेस हमने कट किए, इसमें आप अच्छी तरह से डालें ताकि तड़का अंदर तक अच्छी तरह चले जाए। तो देखिए, हमारा ढोकला रेडी हो गया है। आप चाहे तो इस पर ग्रीन चिलीज भी फ्राई करके डाल सकते हैं और उसके साथ खा सकते हैं। ये हम डाल रहे हैं इस पर नारियल
ग्रेट कर दिया है हमने उसे। और अब मैं इस पर डाल देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। आप इसे अपनी कोई भी पसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चिलीज़ भी आप फ्राई करके खा सकते हैं इसके साथ। और अगर आपने हमारी कल की रेसिपी मिस की है तो ऊपर दी हुए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ढोकला रेडी हो गया, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफ़ी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।